कैसी हैं? जी ठीक ठाक फरा, आप कैसी हैं? हैप्पी वुमेन्स डे। जी हैप्पी वुमेन्स डे, और आज बहुत खुशी का दिन भी है इसलिए कि औरतों का आलमी दिन है आज। हाँ जी। और मैं इस हवाले से ये बात कर दी कि औरतों को किसी चीज की रोक नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर वो जॉब कर रही है तो वो किसी वजह से कर रही है ना। अगर उसके पास कोई इतनी ज्यादा फैसिलिटीज नहीं है कि उसको के जैसे कोई हेल्प नहीं कर रहा, अगर उसको जरूरत है पैसों की या जॉब की, तो उसको जॉब करने की इजाजत होनी चाहिए, जरूर होनी चाहिए। हमारे यहाँ ऐसा होता है कि जैसे हस्बैंड या भाई वगैरह उनको कहते हैं कि जैसे तुम्हें क्या जरूरत है जॉब करने की। हाँ, लेकिन वो कुछ ऐसे हस्बैंड और भाई होते हैं, मैं आपको बताऊं, वो तब जॉब करने की इजाजत है जब उनके ऊपर पड़ती है ना, तो वो कहते हैं अब नौकरी कर लो। सेल्फिश होता है इंसान, हर मर्द तो है ही सेल्फिश। रोक टोक बिल्कुल नहीं होनी चाहिए औरतों को। मैं तो कहती हूँ कि अगर किसी का शौक है, उसको अगर टीचिंग का शौक है, कोई जॉब किसी चीज में करना चाह रही है, तो उसको और खुद कहें कि हाँ जाओ तुम करो। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा क्यों होता है कि हर सारी पाबंदियां औरतों पे आ जाती हैं? लेकिन अब तो चेंज आ गया है। मैं कहूंगी कि उनको सब हर तरह की आजादी होनी चाहिए। जी बिल्कुल, थैंक यू। आप हैं, आप इतना अच्छा काम कर रही हैं, और हैं ये कर रही हैं, वो कर रही हैं, हम खुश हो रहे हैं, औरतें खुश हो रही हैं ना ज्यादातर। बिल्कुल। और वैसे आप सही बात करी, आज एक भी लड़के ने फोन नहीं किया। अब कर लेंगे, मैं बताती हूँ आपको। ये कल्चरल जो ये बात कर रही है ना, ये कल्चरल चीज है कि जी। थैंक यू फॉर कॉलिंग, और आपको मिलेगी मिठाई एस अब्दुल खालिक की तरफ से। आपका नंबर आ चुका है, आपको गिफ्ट मिल जाएगा। थैंक यू जी। और देखें, बहुत ज्यादा आदमी भी मेंटली लिबरेटेड होते हैं और एक्सपोजर होता है, और अब और भी हो रहा है। इट्स नॉट दिस, ये हमारा कल्चर है। कल्चर से जब कोई फर्क चीज करने की कोशिश करता है ना, तो फिर प्रॉब्लम्स होती है। एनवायरनमेंट नहीं अलाउ करती। काफी आदमी चाहते हैं कि उनकी बेटियां पढ़ जाएं और चीज करें, मगर उनको दूसरों का देख के अच्छा नहीं कर रहे, मेरी बेटी खाली क्यों करे या मेरी बीवी क्यों करे। तो ये चेंज हो जाएगा। मगर मैंने डाइवोर्स पर वापस जाने चाहती हूँ, जो सब्जेक्ट आप लोग बात कर रहे थे। देखें, आप जरा आदमियों पे जरूर बता दूसरी बात ये कि देखें, डाइवोर्स इज अ फैसिलिटी गिवन टू यू, मगर ये नहीं है कि आप छोटी सी चीज छींक मारे तो आप कहते जी जाओ। बर्दाश्त भी तो करना है ना, सीखना है ना आपको। तो वैसे ही कोई ये जेनरेशन का फर्क है। जेनरेशन का फर्क नहीं, आई थिंक आई मीन आई एग्री विद हर। नहीं, बोथ मैन एंड वुमन हैज टू बी एबल टू, देखिए कोई दो लोग साथ में, इतना भी आप से बाहर ना हो जाए ना कि इतनी सी बात के ऊपर आप डिवोर्स लेने चल पड़े। दो लोग जब साथ रहते हैं, मुश्किल तो है ही। कोई मैरिज इज नॉट मेड इन हेवन, इट इज यू हैव टू वर्क ऑन इट कंटिन्यूसली, कॉन्स्टेंटली एंड कंटिन्यूसली। मगर ये भी है कि अब इतनी भी कोई नहीं है कि जी अच्छा जी वो छींक मारा तो उसको ठीक है, बिल्कुल। अनलेस ही और शी, लड़की भी हो सकती है कि ये तो आप चाहेगा बिल्कुल, अम्मी चाहे बातें छींक मारा तो हम आपके साथ बिल्कुल इस चीज पे थोड़े से हम डिसएग्री करते हैं। छींक मारने पे तो कोई और कोई छींक मारने पे इतनी बेवकूफ तो। अच्छा, मेरा जो ये इनकी दो बेटियां हैं, ठीक है, और मेरे दो बेटे हैं, और मेरा जो आदमियों के बारे में ख्याल है, यस यू आर राइट, मगर आई फील के फॉर एवरी वुमन दैट सफरिंग देयर इज वन मैन सफरिंग इन द वर्ल्ड आल्सो। और औरतें अनफॉर्चुनेटली आदमियों से बेहतर है टॉर्चर करने में। एंड आई फील के और मर्द बेचारा इतनी नहीं बोल सकता। और एट द एंड ऑफ द डे ये माओं का काम है, वो अपने बच्चों जो को कैसे बुरे आदमी होते हैं उनकी माएं बहुत ही बुरी होती हैं, क्योंकि उनकी अपब्रिंगिंग सही नहीं होती। आज मैं कॉन्सेंट्रेट करती हूँ, ये मेरे दो बेटे हैं, तो कल इन्होंने औरतों को किस तरह ट्रीट करना है। और जो औरतें वो कहते हैं ना, आदमी को देखने को, वो कहते हैं ना, और लड़की को मत देखो, उसकी माँ को देखो। मैं कहती हूँ आदमी को भी मत देखो, उसकी माँ को देखो। बिल्कुल सही। If a man treats you like a princess, he's been raised by a queen. ये सीधी सीधी बात है। और फिर ये देखे ना, और जो माएं होती हैं, अगर वो बीवी की थोड़ी हेल्प करे तो माँ ही कहेगी ये क्या कर रहे हो, तुम क्यों उसके गुलाम बने हुए हो। ये अपब्रिंगिंग होती है। अगर एक लड़का इस माशरे में अच्छा इसलिए निकलेगा क्योंकि उसकी माँ उसको अच्छा बनाएगी। अगर माँ ही उसको कहेगी ना, उठ अपना लॉन्ड्री में खुद कपड़े डाल, सब कुछ खुद कर, अपनी अपने कपड़े खुद प्रेस कर, तो जो आने वाली होगी वो भी प्रिंसेस की तरह। और इक्वल बात ये है कि अगर एक लेडी, ख्वातीन, औरत काम कर रही है,
तो घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी खाली उस पर नहीं है, इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर दोनों जब बाहर रह रहे होते हैं, बाहर तो कर लेते, पाकिस्तान में नहीं करते, बिकॉज दे थिंक जी वो इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी, बच्चों के स्कूल भी ड्रॉप करना जाना सब कुछ। अगर टू पीपल आर वर्किंग, इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी, इफ वन चूजेस टू बी हाउस कीपर देन ठीक है, वो अपना काम करे और वो अपना काम। सही, थैंक यू सो मच नीलोफर आंटी, आपसे तो खुदाफिस करना पड़ेगा, इनको तो मैं भी बिठा के रख रही हूँ अभी। हम बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, अब यहाँ जो आने वाली है वो एक हमसे जरा, अभी उनकी शादी नहीं हुई तो वो जरा मजे की और बातें होंगी। थैंक यू सो मच, कोई छोटा सा मैसेज व्यूअर्स के लिए, औरतों के लिए आज? बिलीव इन योर सेल्फ। ओके, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, और ये आपके लिए एक जो है ये एक गिफ्ट है आपके लिए। अभी आप बैठे हैं, आप कहाँ जा रही हैं, आपको गिफ्ट दे रही हूँ। ओके, थैंक यू, और ये आपके लिए है मिठाई। ओके जी, आई रियली थैंक यू। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हमारे साथ एक बड़ी मजे की क्यूट सी, पहले भी आ चुकी है मेरे शो पे निदाज, वह बहुत मजे की डिजाइनर है, बहुत जबरदस्त उनके कपड़े होते हैं, उनसे करेंगे मजे में ज्यादा आज, कपड़ों पे नहीं औरतों पे, लड़कियों पे। थैंक यू, आप एक छोटा सा ब्रेक लें, विल बी राइट बैक।